Find the pressure of air in a vessel being evacuated as a function of evacuation time. एक वेसल है, उसमें वेसल इवैक्यूएटेड करी जा रही है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, गैस उसमें से निकालते चले जा रहे हैं, उसका फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से आपको प्रेशर बताना. ऑब्वियसली इवैक्यूएटेड होती चली जाएगी तो प्रेशर टाइम के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा, तो वही हमें ड्राइव करना है कि प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या बनेगा. द वेसल का वॉल्यूम दिया है आपको वी, इनिशियल प्रेशर जो दिया है वो दिया है पी नॉट. द प्रोसेस इज अस्यूम टू बी एसोथर्मल, एसोथर्मल प्रोसेस आपको अज्यूम करनी है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट मानना है. एंड द इवैक्यूएशन रेट, जो इवैक्यूएशन रेट है वो सी मानना है आपको, ठीक है, और ये प्रेशर से इंडिपेंडेंट है. और नीचे उन्होंने लिखा है इवैक्यूएशन रेट का मतलब क्या है, इवैक्यूएशन रेट इज द गैस वॉल्यूम बींग इवैक्यूएटेड पर सेकेंड. बेसिकली ये डी वी वाई डी टी होगा, पर सेकेंड कितना गैस का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर में से हम निकालते चले जा रहे हैं वो होगा, और वो कॉन्स्टेंट मानना है. यानी पर सेकेंड जो वॉल्यूम हम निकालते चले जा रहे होंगे कंटेनर में से डी वी बाई डी टी, वो इवैक्यूएशन रेट है और वो कॉन्स्टेंट है. तो पहले आप सेटअप समझो कि सेटअप कैसा है. जैसे मान लिया ये कंटेनर है आपका और मैंने एक लंबी सी ट्यूब कनेक्ट करी है, क्यों करी है वो आपको अभी समझ में आएगी. और यहां लगाई है मैंने एक पिस्टन, ठीक. ये गैस का इनिशियल प्रेशर है पी नॉट और वॉल्यूम है वी, ठीक है. अब मैं क्या कर रहा हूं आप आराम समझना, मुझे हर प्रेशर पे हर सिचुएशन में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में से खींचता चले जाना है, कांस्टेंट रेट से गैस को इवैक्यूएट करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम के रेट से गैस को इवैक्यूएट करना है. तो मेरे पास एक ट्रिक है, ट्रिक ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पिस्टन है ये मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे खींचते चले जा रहा हूं. अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचते चले जाऊंगा तो हर सेकंड जो वॉल्यूम गैस का इसमें से निकलता चला जाएगा वो कांस्टेंट होगा. जैसे मान लिया क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इसका ए है तो हर सेकंड में कितना वॉल्यूम इवैक्यूएटेड हो जाएगा, ए इंटू वी. अगले सेकंड में फिर से पिस्टन वी पीछे शिफ्ट हो जाएगी तो कितना और वॉल्यूम इवैक्यूएट हो जाएगा, ए इंटू वी. इसलिए हर सेकंड में जो वॉल्यूम इवैक्यूएट हो रहा होगा, जो वॉल्यूम इस गैस में से निकल जा रहा होगा वो फिक्स होगा. तो मैंने इस पिस्टन को कांस्टेंट वेलोसिटी से पीछे चला दिया और उसका फायदा ये हुआ कि जो डी वी बाई डी टी है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा और वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा. हर सेकंड इन वन सेकंड वो कितना वॉल्यूम गैस का इवैक्यूएट कर ले रहा है चैम्बर में से, तो वो होगा ए इंटू वी. ए इंटू वी हर सेकंड जो है वो इवैक्यूएट होता चला जाएगा इस चैम्बर में से. ए इंटू वी वॉल्यूम जो है गैस का वो कम होता चला जाएगा, गैस कम होती चली जाएगी कॉन्स्टेंट रेट से. तो ये मैंने ट्रिक अपनाई है. इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जा रहा है, गैस फैलती चली जा रही है. ऑब्वियसली कंटेनर में से निकल के ट्यूब में, ये जो ट्यूब है क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, उसमें फैलती चली जा रही है और कांस्टेंट रेट से फैल रही है. हर सेकंड कितना फैल जाती है, ए इंटू वी. तो यही तो आपको दिया है सी, वॉल्यूम जिस रेट से इवैक्यूएट हो रहा है या वॉल्यूम जिस रेट से बढ़ता चला जा रहा है वही क्या है आपका, सी. तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो हम पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट मान के चलाते हैं काम, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, जीरो. तो प्रेशर जो आ जाएगा आपका या डी पी अपॉन पी जो आ जाएगा वो आपका आ रहा है माइनस डी वी अपॉन वी. और डी वी अपॉन डी टी क्या है, तो डी वी अपॉन डी टी जो है वो सी है. तो डी वी कितना डालोगे आप, डी वी आप डाल दोगे सी डी टी. इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं आपको आंसर मिल जाएगा. तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस सी अपॉन वी इंटू डी टी. क्लियर, इंडिकेट कर देते हैं इसको. तो ये आपका आ जाएगा एल एन पी, लिमिट पी नॉट से पी मान लेते हैं और टाइम आपका जीरो से टी मान लेते हैं. एल एन पी अपॉन पी नॉट, लिमिट्स पढ़ के ये आ जाएगा आपका इक्वल टू माइनस सी टी अपॉन वी. तो पी अपॉन पी नॉट मिल गया आपको ई रेज टू पावर माइनस सी अपॉन वी इंटू टी. तो प्रेशर कितना आ जाएगा किसी भी जनरल टाइम पे, पी इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू पावर माइनस सी अपॉन वी इंटू टी. क्लियर, तो प्रेशर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या करता जा रहा है, डिक्रीज करता चला जा रहा है. प्रेशर टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है. क्लियर.